शिवाय शिवजी सदा सदा ओम नमः गुरुजी जय गुरु जी, जी। सबसे पहले तो गुरुजी को थैंक यू अपॉर्चुनिटी दी सत्संग शेयर करने के लिए विच इज़ वेरी रेयर सो मेरी जर्नी गुरुजी के साथ सेवेंथ क्रेड से शुरू हुई थी आई एम अ थर्टी ईयर ओल्ड मैन नाउ सो इट्स बिन अ वाइल आपने शायद लोगों ने संगत सुना भी है मैनी अंकल जो मेरे फादर हैं सो आई एम नॉट गोना शेयर दैट आई एम गोना शेयर सम अदर एक्सपीरियंसेस जो मेरे रहे हैं इंटीमेट रहे हैं सो फर्स्ट मेमोरी जैसे गुरुजी की थी आई रिमेम्बर यू नो मेरी मॉम के साथ हम लोग गए थे एंड um, काफ़ी दुविधा में थे माय फादर वाज हिज किडनीज वर नॉट वर्किंग सो माई ग्रैंड मम गिव द किडनी और उसमें भी रियकर हो गई थी डिजीज़ सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट गुरु जी ने ब्लेस किया बट uh, जो मैं आज शेयर करना चाहता हूँ वो एक्चुअली काफ़ी अलग चीज़ें हैं जो शायद मेरी मदर को भी नहीं पता है मेरे फादर को भी नहीं पता है तो so, जब छोटा था काफ़ी शौक था फुटबॉल देखता था सॉकर देखता था टीम भी सपोर्ट करता हूँ अभी भी करता हूँ uh, मायूस भी होता हूँ हारती है तो uh, बड़ा शौक था एडिडास की ऑरेंज टी शर्ट का पहनने का मुझे एक ऑरेंज कलर की टी शर्ट आती थी तो मैंने uh, डैड से रिक्वेस्ट किया मेरे को पहनना है या ऐसे है वैसे है सो यू नो इट जस्ट नेवर हैपेंड देवर बिगर प्रॉब्लम्स एंड आई कम टू वाई आई एम शेयरिंग दिस ऑल्सो विद यू ऑल तो <laughs> मन से इच्छा हुई गुरुजी के मंदिर में हम छोटे मंदिर में जाते थे मेरे मन से इच्छा हुई कि गुरुजी की uh, टी शर्ट दिमाग में चल रही थी छोटा था सेवन ग्रेड में था उतनी ही समझती तो मंदिर के अंदर गए या पता नहीं फोटोज में आई क्लियरली रिमेंबर बस इच्छा जागी अ वीक लेटर माय फादर वाज ही केम बैक फ्रॉम थाईलैंड और समथिंग तो ऑरेंज टी शर्ट आ गया एड के घर में हमारे uh, बड़ा खुश तो मैंने कहा ये तो बहुत ब्लेसिंग है बिलीव इट और नॉट दैट सेम वीक एंड वी गॉट सम पिक्चर्स तब नया न डिजिटल का ज़माना शुरू हुआ था और गुरु जी ने वह एनकरेज मोबाइल फ़ोन्स एंड ऑल दिस बोलते थे बंद करके रखो अपनी ब्लैसिंग गंवा रहे हो मेरे पे फोकस करो मिलने आयो तो आई सॉ द सेम एग्जैक्ट टी शर्ट तो दैट वॉज माई फर्स्ट मटीरियलिस्टिक वे में जो मैंने गुरु जी को एक तरीके से समझा कि वा यार ये तो बड़े पावरफुल है गुरु जी तो सो दैट्स लाइक वन टाइनी इंसिडेंट बियॉन्ड द हेल्थ एंड अदर थिंग्स दैट गुरु जी तो वहाँ से एक तरीके से एट अ वेरी यंग एज मेरे को हुआ कि इनमें कुछ पावर है कुछ बात है कोई चीज़ है तो सबकी सुन लेते हैं अंदर की भी सुन लेते हैं मन की बैठे बैठाए तो फिर आ, अच्छा लगा तो टेंथ ग्रेड आ गई जी बोर्ड्स आ गए तो पेरेंट्स पता है कैसे हैं मेरे भी मम्मी चाहती थी इंजीनियर बने लड़का बाकी कजन्स की तरह वो बन नहीं पाए बट गुरु जी ने निकाल दिया एंड आई कम टू जो मेरा फाइनल सत्संग है कैसे अभी क्या हो रहा है मेरे साथ तो टेंथ ग्रेड में एग्जाम एग्जाम होते हैं बोर्ड एग्जाम होते थे दोज ऑफ यू डोंट नो देर लाइक सैड एग्जाम्स इन ट्वेल्थ ग्रेड दैट यू गिव टू गेट इन टू अ गुड स्कूल तो रिजल्ट आना था मैं तो डरा हुआ था मतलब कुछ चीज़ों में तो फेल भी होने की नौबत थी तो so, एक ड्रीम आया गुरु जी का मुझे बट ड्रीम आने के पहले हम लोग दिल्ली में थे छोटे मंदिर में तो गुरु जी ने सेवा दी मेरे को फैमिली uh, में हम लोग गए थे मिलने मुझे याद भी याद है और uh, जो uh, क्या होता था बाप छोटे मंदिर से बाहर निकलते तो आपको ऐसे हाथ साफ करने का एक uh, बंदोबस्त होता है बड़े मंदिर में यू गो एंड क्लीन योर हैंड्स आफ्टर लंगर तो वो अपॉरचुनिटी मुझे उस एज में मिली अब मुझे पता भी नहीं था क्या ब्लेसिंग हो रही है तो टिपिकली जब सेवा गुरुजी के मंदिर में मिलती थी मिलती नहीं थी पहली बात तो तीन चार गिने चुने सेवादार होते थे वही सर्व करते थे यू नो यू वर नॉट इवन अलाउड टू स्पीक मैं एक डाइनिंग टेबल के नीचे ऐसे करके बैठता था मुझे याद है जगह भी नहीं होती थी संगत इतनी बढ़ जा रही थी सो एनी वे ड्रीम में आए आज इंडिया पाकिस्तान का गेम है तो मुझे बात याद आई मैं ड्रीम में कुछ लोगों से भाग रहा था दे वर ट्राइंग टू किल मी बेसिकली और मैं जैसे विरांडेड टपते हैं ना यू जम्प ओवर डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज में ऐसे भाग रहा था एक फ्रेंटिकली धोती में था मैं और एक बनैन में एंड सडनली मैं अपने घर की छत पर पहुँच गया सी ब्लॉक जो हम लोग सुशांत ब्लॉक में रहते थे जम गुरु जी को मिले थे बेसिकली सत्संग भी हुआ था मुझे याद है सो आई रीच देर और गुरु जी बैठे हुए ऐसे ही बिल्कुल और ऐसे करके खड़े हुए और मैं उनको जाके बस मत्था टेका मैंने एंड मेरी सारे दुख लाइक like, लाइक like वो जो टेंशन एंड वरी थी दैट वेंट अवे गायब ही हो गई दो हफ्ते पहले या एक हफ्ते पहले ऐसे सपना आया और ऑल आई एम गोना एस गुरु ने उस दिन ब्लेस किया अपने तरीके से यू नो एंड मेरे दिमाग में ये था कि मैं पाकिस्तान में हूँ आई एम रनिंग अवे बेसिकली मेरे को बहुत क्लियर ये मेमोरी आज भी याद है बट आई फील सो ब्लेस्ड आई कॉन्ट शेयर दैट फीलिंग विद यू बट वो एक ऐसी फीलिंग है गुरु जी की जो शायद यू नो यू आर वेरी लकी टू एक्सपीरियंस इट एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग इट मतलब यू आर गुड आपको वो नहीं चाहिए वो गुरु जी वैसे आके आपको डरा के जैसे भी करके वो नहीं हो रहा है विच इज़ ऑल्सो ग्रेट मुझे शायद चाहिए था गुरुजी ने अपने दिखा के ब्लेस करना था अपने तरीके से सो so, रिज़ल्ट um, आया ऑल आई एम गोना सेज माई फादर आज तू तूने चीटिंग की थी इंग्लिश के एग्जाम में इतने अच्छे नंबर आए मेरे सो <laughs> so, uh, जिंदगी चलती रही यू नो गुरु जी कैप ब्लेसिंग एंड द रीज़न आई शेयर द मटीरियल एस्पेक्ट्स एंड दीज मार्क्स एंड एवरी थिंग विद यू एस की एट द एंड ऑफ द डे मैंने यही रियलाइज़ किया कि गुरु जी के पास हम जब जो, जो भी चीज़ के लिए आते हैं गुरु जी शुड बी दैट मेन इम्पोर्टेंस एंड सेंटर पॉइंट मैंने वो डिस्कवर कभी बीच में अपनी जर्नी में किया एंड आई स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट और हुआ क्या मैं बॉस्टन में अभी रहता हूँ सो आई डोंट लिव यू मैं आया हूँ इंडिया से यू एस अपने पेरेंट्स के लिए ही शिफ्ट हुआ था वज डूइंग ओके तो टेंशन uh, रहती है एच वन बी ए वीज़ा ओ वीज़ा सारे वीज़ा के टेंशन तो um, यू नो आई वॉज जस्ट थिंकिंग दी अदर डे सबका हो जाता है ऐसे हो जाता है ग्रीन कार्ड है और वट एवर तो अभी मेरा एच वन भी गुरु जी ने ब्लेस किया था एड शेड मा सत्संग लास्ट टाइम जब अपॉर्चुनिटी मिली थी तो मैं बैठा हुआ था मेरे बॉस ने आई एम हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद हिम ही स्टॉप्स मी और ऐसे मन में कभी बात नहीं थी अनुभव यू वॉन्ट ग्रीन कार्ड कोई पूछता है ऐसे जहाँ पर आप टेंशन में कोई आपको पूछता है यू वॉन्ट दिस तो मैं कहा कहवा जय गुरु जी ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग मैं कहा ऑफ कोर्स आई वॉन्ट ग्री एंड व्हाई नॉट तो ऐसे ही बैठे बिठाए मुझे गुरु जी ने ब्लेस किया एंड उसके तीन या चार हफ्ते पहले मेरे को जब ये दुविधा हो रही थी या कुछ एक मेंटल थाट आया बॉस्टन में हाईवे है देर इज एप्सोल्यूटली नो ऑर्ड्स एंड को मैं चल रहा था मुझे कुछ एक नेगेटिव थाट या ऐसे आया मैं शब्द भी सुन रहा था उस टाइम पे यार ये हो नहीं रहा ऐसे कुछ बन नहीं रहा बिलीव इट or नॉट मेरे साइड में से गाड़ी गई उसमें गुरु जी लिखा हुआ था स्टिकर पे। ये मैंने अपनी मदर को भी ये बात नहीं बताई हुई अभी लाइक आई ब्रीफली मैंशन टू यू आई थिंक और वो डॉट मैंने बहुत आगे जाके कनेक्ट किया कि मेरे को ब्लेसिंग पहले ही मिल गई थी मुझे बाद में पता चला और बैठे बिठाए मेरा ग्रीन कार्ड भी फाइल हो रहा है तो अभी मेरी मीटिंग लॉयर से दो हफ्ते बाद है टिपिकली मेरा हर चीज़ पहले हो जाता और गुरु सत्संग करा के ब्लेस कर देते हैं मेरे को मेरा एडमिशन भी पहले ऐसे ही हुआ था एक कॉलेज में इंडिया में तो गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है यू नो आई वुड ऑलवेज एनकरेज आप आते रहिए गुरुजी पे फोकस रखिए शब्द सुनिए जो उन्होंने सिखाया हमको वो सब करिए सारे काम होते रहेंगे एंड जय गुरुजी थैंक यू